हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन शेल्फ लाइव। आई एम डॉक्टर रिधि अग्रवाल और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आई हूँ जो कि आपकी ऑफिशियल आंसर की से रिलेटेड है, नीट 2019 की। सो देखते हैं कि वो न्यूज़ क्या है। तो कल के पेपर में एक न्यूज़ आई थी कि जो आंसर की है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट 2019 के लिए, वो कब रिलीज होने वाली है, May 20th 2019 यानी कि मंडे के बाद। ऑफिशियल वेबसाइट जो है आपकी ntaneet.nic.in इस पे रिलीज होगी, लेकिन 20 मई के बाद। तो indianexpress.com को ये बात बताई है जो DG है यानी कि डायरेक्टर जनरल जो है NTA के विनीत जोशी, उन्होंने बताया द आंसर कीज ऑफ द एग्जाम विल बी रिलीज्ड ओनली आफ्टर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज कंडक्टेड इन ओडिशा एंड बेंगलुरु एज वेल। तो उन्होंने कहा बेंगलुरु और ओडिशा में भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद ही आंसर कीज जो है ऑफिशियल आंसर कीज वो रिलीज की जाएंगी। अब नीट 2019 हमारा कब हुआ था, May 5th को, लेकिन ओडिशा रीजन में नहीं हो पाया था क्योंकि वहाँ पे साइक्लोन आ रखा था, इसीलिए वहाँ पे एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया था। साइक्लोन फैनी आया था, हम सबको पता है। दूसरी तरफ बहुत सारे बच्चों ने अपना नीट एग्जाम इसलिए मिस कर दिया क्योंकि ट्रेन डिले हो गई थी कर्नाटका में, तो इसलिए उन बच्चों का एग्जाम भी 20 मई को ही होगा। इसलिए सिर्फ ओडिशा वालों का ही नहीं है, कुछ कर्नाटका में कुछ बच्चे हैं उनका भी एग्जाम 20 मई को है। तो पहले नीट की आंसर की ऐसा शेड्यूल था कि सेकेंड वीक में आ जाएगी मई 2019 की, और कई बच्चे जो है लगातार देख भी रहे थे इस साइट को, NTA की जो साइट है ऑफिशियल, लेकिन उस पर नीट की आंसर की नहीं आई। इसीलिए अब जो है पूरी तरीके से ऑफिशियल हो गया है कि आप अपनी आंसर की जो है वो 20 मई के बाद आपको मिल जाएगी। जैसे ही आंसर की आएगी मैं आप लोगों को ज़रूर न्यूज़ दूंगी, इसलिए चैनल के साथ बने रहना। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक तो नीट का रिजल्ट जो है हमारा वो June 5th को डिक्लेयर होगा, ये सबको पता है। दूसरी तरफ अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन है तो जब फाइनल आंसर की रिलीज हो जाएगी उसके बाद आप अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कुछ पैसे देने होंगे। सो कैंडिडेट जो है वो चैलेंज करते हैं आंसर कीज को, तो उन्हें नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फी देनी होगी 1000 रुपीज़ की पर आंसर चैलेंज। तो अगर आप एक आंसर चैलेंज करोगे तो आपको 1000 रुपए देने होंगे जो आपको वापस नहीं मिलेंगे, चाहे आपका आंसर सही हो और चाहे की का आंसर सही हो। अगर आपका आंसर सही होगा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन ये नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फी रहेगी। तो ये बात ध्यान रखनी है, हर एक आंसर के लिए आपको 1000 रुपए देने होंगे, ठीक है। सो ये थी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मुझे आप लोगों को देनी थी कि 20 मई के बाद आपकी आंसर की रिलीज होगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, एम्स के जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनके मैंने वीडियोस बनाए हैं, और अगर आपसे एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है उसका वीडियो भी है, और अगर आपका RUC जो है वो गुम हो गया है तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया कि आपको क्या करना है। तो उन तीनों वीडियोस के लिंक मैं आपको यहाँ पे एक आई बटन दिखेगा उस पर क्लिक करोगे तो आपको उन तीनों वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, तो उसे देखना मत भूलना, ठीक है। सो कैसी लगी आपको हमारी न्यूज़ ज़रूर बताना, लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा या अपलोड होगा। तो आप लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब जगह भी मुझे फॉलो कर सकते हो, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।